आज हमारे साथ में है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निबुआ नौरंगिया के प्रभारी, नाम रजनीश श्रीवास्तव। देखा जाए तो आजकल कुछ ज्यादा ही एक्सीडेंट हो रहे हैं, और मेरे नजरिए से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधाओं की कमी है। क्या कमी है भी या नहीं, डॉक्टर साहब से जान लेते हैं और इनसे और भी जानकारियां ली जाएंगी। क्षेत्र में किस तरह की एक्टिविटी बनी हुई है इस हॉस्पिटल के थ्रू। फिलहाल डॉक्टर साहब आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आए दिन ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं और देखा जाता है, तो जैसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निबुआ नौरंगिया पे कोई भी एक्सीडेंटल केस आता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है जिला के लिए। क्यों होता है? देखिए, जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है वो वाकई एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें प्रतिदिन नंबर ऑफ एक्सीडेंट की संख्या आरटीए का केस बढ़ता जा रहा है। इससे हमारी सीएसटी पे तो हम प्राइमरी सेंटर के रूप में इसको देखते हैं। जैसे कोई पेशेंट अगर आता है आरटीए का, तो उसमें सस्पेक्टेड रहता है कहीं फ्रैक्चर होगा, कहीं इंटरनल ब्लीडिंग होगी, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ से जिला अस्पताल के लिए रेफर करना पड़ता है। हालांकि आने वाले समय में हमारे वहाँ एक्सरे का इंस्टॉलेशन हो रहा है, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है, वो जल्द ही हम यहाँ उसको पूरा कर लेंगे, जिससे कि आरटीए के केस को हम रिफर न करें और यहीं पे उनका पर्सनल इलाज करें। लगभग कितने दिन हो गया होगा यह निबुआ नौरंगिया स्वास्थ्य केंद्र बने हुए? निबुआ नौरंगिया स्वास्थ्य केंद्र तो लगभग 2011 का ये बिल्डिंग बना हुआ है यहाँ पे, तो 2011 से हम तो मानते हैं, लेकिन इससे पहले भी बता था पुरानी बिल्डिंगे हैं यहाँ पे पुरानी। तो इतने दिन हो गया लेकिन अभी तक यहाँ पर एक्सरे अल्ट्रासाउंड जो है अभी तक सुविधाएं नहीं मिल सकी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो सरकार की जो भी सुविधाएं हैं हम लोगों ने किया हुआ, एक्सरे की भी सुविधा बहुत जल्दी आपको सुनने में मिल जाएगा कि यहाँ पे एक्सरे की भी सुविधा है। अलग मशीन आ गई है, उसके जो टेक्निकल आए थे इंस्टॉलेशन के लिए वो कुछ टेक्निकल इशू बता के वो बता रहे थे कि इसमें कुछ कमियां हैं, हम उसको जल्द पूरा कर लेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि 1 वीक या 10 दिन के अंदर वो इंस्टॉल होगा। और एक्सरे का इंस्टॉलेशन होने के बाद नंबर ऑफ रिपोर्ट्स की संख्या कम हो जाएगी, जिससे हम खुद यहीं पे अपने उन पेशेंटों को रख के इलाज कर सकते हैं। बाकी सरकार के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अभी इस समय हीट वेव का प्रोग्राम चल रहा है, हीट वेव से काफ़ी लोग पीड़ित हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है कि यहाँ पे एक रूम है हमारा हीट वेव के लिए, उन पेशेंट को वहाँ पर रख के इमीडिएट ट्रीटमेंट करने का, और लोगों के अंदर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। संचारी का आज चल रहा है, हम लोगों का आज 30 तारीख है, संचारी में भी सभी गाँव में हमारी आशा बहनों के द्वारा चलाया जा रहा है प्रोग्राम की अवेयर रहे सभी लोग, इस चीज़ से मच्छर आने वाले बरसात के समय में मच्छरों की संख्या बढ़ती है, इससे अवेयर हो कैसे बचा जा सकता है। तो हर सरकार की जो भी प्रोग्राम है हमारे हॉस्पिटल्स के द्वारा और हॉस्पिटल्स के जो संबंधित हमारी आशाएं हैं वो अपनी ग्राम सभा में बखूबी कर रही है और अच्छा काम कर रही है। लू का समय चल रहा है, इसके बचाव क्या? देखिए, लू का तो समय बहुत ही तेज हो गया है इस समय, इसके बचाव का यही कारण है कि हम कोशिश करें कि 11 बजे के बाद और 4 बजे तक फील्ड में न रहें, क्योंकि बहुत तेज है। अगर जाना भी है तो आप वो सर पे कुछ पगड़ी या ऐसा गमछा बांध लें और मुंह को ढक के रहें, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी की पीना है, लिक्विड की कमी न हो शरीर में। इसके लिए हम यही कहेंगे कि जो भी लोग ऐसे निकल रहे हैं, पानी की कमी शरीर में न होने दें और पानी भरपूर। यदि लू का शिकार हो जाता है व्यक्ति तो बचा क्या कारण बचाए, मतलब किस तरह? लू का शिकार है तो हम आपसे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नज़दीकी हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे आ जाए, जिससे कि हम उनका ट्रीटमेंट यहीं पे कर सकते। ग्रामीण क्षेत्र है ये, और क्षेत्रों में सुविधाओं की भी कमी है, डॉक्टर्स की भी कमी है, और देखा जाता है कि महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं और उस हाल में यदि यहाँ पर आती हैं तो क्या उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ पर महिला डॉक्टर उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ महिला डॉक्टर भी उपलब्ध हैं, और हमारे ये गर्भवती महिलाओं के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम में पीएमएसएम में चलता है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। इसमें 1 तारीख, 9 तारीख और 16-24 के दिन जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका यहाँ पे जांच भी फ्री में होता है और फ्री आपका अल्ट्रासाउंड होता है और बेहतर इलाज किया जाता है, और हमारी आशा बहने उन सभी गर्भवती महिलाओं को यहाँ पे लेके आती है और यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा चेकअप कर लिया जाता है उनका, जिससे कि आने वाले समय में उनको कोई भी दिक्कत न हो, और उनका जो भी आने जाने का इवन सरकार के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, किसी भी प्रकार का कोई उनको कमी और कोई परेशानी न हो, उसके लिए पूरी व्यवस्था है। कई जगह देखा जा रहा है कि जो मिनी स्वास्थ्य केंद्र है एनएम के द्वारा लापरवाही की जाती है, जैसे आपके यहाँ कोई डिलीवरी होती है तो उसको
कितने समय तक स्वास्थ्य केंद्र पर रखना है? डिलीवरी इनम सेंटर हमारे हमारे ब्लॉक के अंतर्गत 6 जगह पॉइंट्स है, हमारी डिलीवरी पॉइंट है जहाँ पे गर्भवती महिलाओं को हम वहाँ पे डिलीवरी हो सकती है। तो जनरली देखिए रखने का क्राइटेरिया तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स के क्या है सिचुएशन, लेकिन 24 आवर्स रख के उसके बाद अगर पेशेंट स्टेबल है तो उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेज के भी हम उसको रख सकते हैं 24 आवर के बाद ही छोड़ने की कुछ है, अगर स्वस्थ है तो, नहीं स्वस्थ है तो उसको हम रखेंगे। आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं तो किस तरह से बचा जाए और किस तरह से जागरूक करेंगे आप, यदि लोगों से कुछ कहना चाहे तो क्या कहा जाएगा कि आप किस तरह से चलें? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा, लोगों से अपील कर रहा है कि कृपया सड़क पे जब चलें तो पूरा हेलमेट और अपने जो स्पीड है उसको थोड़ा कम करके चलें। बहुत ही ये का केस हमारे हॉस्पिटल पे आ रहा है जो ये बहुत चिंता का विषय बन गया है, और मैं आपके द्वारा यह सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने स्पीड को कम रखें और सड़क के नियमों को फॉलो करें। सड़क के नियम का अगर हम पालन करते हैं तो ये जो प्रतिदिन हमारे हॉस्पिटल पे आरटीए का केस या कहीं भी सुनने को जो आ रहा है ये चीजें कम हो जाएंगी। तो हमें अपने आप में जागरूक करना है कि हम अपने आप को जब सड़कों पे चलें तो थोड़ा अपने आप सेफ रख के चलें। और मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ जो उन छोटे बच्चों को बाइक दे दिया जा रहा है जो अभी 18 साल के भी लड़के नहीं और बहुत तेज स्पीड में चलाते हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ऐसा ना करें और उनको थोड़ा समझाएं कि इतना तेज बाइक चलाने के लिए। अभी जैसे आपने बताया कि प्राथमिक उपचार केवल यहाँ पे किए जाते हैं, यदि कोई ऐसा मरीज आ गया जिसको तुरंत तत्काल मतलब उपचार की जरूरत है और वो सुविधाएं आपके पास नहीं है तो इसके लिए आप क्या करते हैं? नहीं, अगर देखिए ऐसा केस अगर आ गया हमारे पास जो हमको लगता है कि नहीं यहाँ पे हम स्टेबल नहीं कर पाएंगे तो जिला अस्पताल देना, तो ऑन द स्पॉट में एम्बुलेंस से उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके जिला अस्पताल भेज सकते हैं। आप थे हमारे साथ में स्वास्थ्य केंद्र निबुआ नौरंगिया प्रभारी राजेश श्रीवास्तव जी, जिनको आपने सुना और उम्मीद है कि आप इनकी बातों को फॉलो करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं और अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, तो आप लोग कृपया गाड़ी चलाते समय ध्यान दें, हेलमेट का प्रयोग करें और अपनी साइड से चलें और जो स्पीड है वो कम से कम बना के रखें।